जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल मैथ क्लास फॉर एग्जाम में स्वागत करता हूं दोस्तों। तो दोस्तों बहुत ही शानदार विथ स्लेट क्वेश्चन लेके आया हूं, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। तो दोस्तों बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें एंड अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर वन आपके स्क्रीन पर। तो दोस्तों क्वेश्चन है, 2 sin theta + 3 cos theta का अधिकतम मान क्या होगा ये निकालना दोस्तों, ठीक है। 2 sin theta + 3 cos theta का अधिकतम मान, तो अधिकतम मान निकालने का रूल याद रखिएगा दोस्तों, अधिकतम मान। तो फॉर्मूला होगा दोस्तों कि जो साइन, यहां जो संख्या रहेगा उस संख्या का स्क्वायर करना है, प्लस कॉस में जो रहेगा इस संख्या इसका स्क्वायर कर देना है, और अंडर रूट में रहेगा फॉर्मूला दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अधिकतम मान निकाल सकते हैं। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा ना, 4 होगा। 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा। तो 4 और 9 कितना हो जाएगा ना, 13। तो अंडर रूट 13 इसका आंसर होगा, यही इसका अधिकतम मान होगा, ठीक है। और इसका ऑप्शन नंबर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो होगा वह सी होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज पर एक राशि 3 वर्ष में 4,800 रुपये और 4 वर्ष में 5,040 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ना 4 वर्ष में 5,040 और 3 ईयर में दोस्तों ना 4,800 हो जाता है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ याद रखिएगा ना, 1 ईयर का अंतर निकालना है, अंतर इन दोनों को घटाएंगे कितना हो जाएगा, 0.4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 240 हो जाएगा। तो ब्याज की दर निकालना है, तो दर का फॉर्मूला हो जाएगा दोस्तों ना, अंतर हो जाएगा, तो अंतर कितना है ना 240, और कितना है ना 3 साल का 4,800, 4,800 यहाँ लिखना है दोस्तों, गुना 100 हो जाएगा, ये 2 जीरो इसके साथ कट जाएगा, 24 का टेबल में एक बार में जाएगा, यहाँ 2 बार में जाएगा, ये इसको काट देंगे 5 बार में, तो बारह है दोस्तों, तो 10 निकल गया ना, 5% होगा। तो इस प्रकार से निकाल सकते हैं इजी से और आसानी से, और इसका ऑप्शन नंबर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो होगा वह सी होगा, ठीक है। दोस्तों अमित का 4 दिन का कार्य और बीनू के 6 दिन के कार्य समान है, अमित एक कार्य को करने में 16 दिन का समय लेता है, उसी कार्य को पूरा करने में बीनू को कितना समय लेगा, समय लगेगा यही निकालना है दोस्तों, ठीक है। तो मान लेते हैं कि अमित जो है वह 4 दिन में लेता है, और बीनू जो है जो 6 दिन में करता है बीनू, और दोनों का जो है समान लिखा हुआ कार्य जो है ये समान है, ठीक है। तो क्या करना है दोस्तों, इससे काट सकते हैं 2 बार में, यहाँ काट सकते हैं 3 बार में, तो यहाँ ये जो 3 है ये लिख देंगे, 3 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, तो ये निकला दोस्तों ना ये क्षमता हुआ, ठीक है। कि ए का मतलब अमित मतलब 3 काम करेगा, तो बीनू जो है वह 2 ही काम करेगा, ये इसका क्षमता हो गया दोस्तों। और जब दिन निकालना है तो क्या होगा ना, ये यहाँ लिखा जाएगा और ये वाला यहाँ लिखा जाएगा, तो ये इसका दिन का रेशियो हो गया दोस्तों, ठीक है। जिसमें से अमित का दिन का रेशियो दिया हुआ है कितना ना, 2 दिन का दिया हुआ दोस्तों ना 16, ठीक है। तो निकालना क्या है, काम करने में कितना लगेगा, तो बीनू का कितना है ना 3, तो 3 का काम करने में कितना लगेगा, ये इसको गुना करना कितना है ना 8 का, ये मल्टीपल है तो इसको भी 8 से मल्टीपल कर देना है, तो कितना होगा ना 24, तो 24 दिन में जो है वह काम को खत्म कर देगा, और इसका ऑप्शन नंबर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो होगा वह बी होगा, तो ये 24 दिन में काम कंप्लीट होगा, ठीक है। दोस्तों 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 30, 50, 80 और 150 से विभाजित है ये निकालना है दोस्तों, ठीक है। यानी बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है, तो ये ऑप्शन हिट से बनेगा दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है ना, एलसीएम निकालना है, ठीक है। किसका ना, एलसीएम निकालना है, तो 30 का, 50 का, 80 का और 150 का एलसीएम निकालना है, एलसीएम, ठीक है। तो जब एलसीएम निकालेंगे दोस्तों ना 1200 निकलेगा, ठीक है। और इसमें से आप लोगों को एलसीएम निकालने तो आता ही होगा, ठीक है। तो 1200 निकलेगा, और ऑप्शन में ध्यान देना है कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ए में क्या दिया है, बी में क्या दिया है और सी में क्या दिया हुआ है निकालना है, ठीक है। तो ए में दिया हुआ है ना 8008,
दोस्तों ना 8011 और सी में दिया हुआ है 9880 और डी में दिया हुआ दोस्तों 9600। ठीक है, अब बनाना कैसे दोस्तों, ना देख रहे हैं कि जो एलसीएम आएगा वह अधिकतम संख्या निकालना है जो इतना से विभाजित हो जाए, तो यही एक संख्या दोस्तों ना बड़ी संख्या जो कि विभाजित हो जा रहा है और इसका ऑप्शन नंबर होगा दोस्तों ना डी। ठीक है ना, 9600 इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं इजी से और आसानी से। अगर दो धनात्मक संख्याओं के वर्ग का योग 317 है और उनका अंतर 3 है तो संख्याओं का योग है ये निकालना दोस्तों। ठीक है, संख्याओं का वर्ग है क्वेश्चन नंबर 6। दो संख्याओं का वर्ग, पहला संख्या मान लेते हैं दोस्तों ना ए का, ए मान लेते हैं तो ए का स्क्वायर प्लस दूसरा बी का स्क्वायर मान लेते हैं और इसी का योग दिया हुआ दोस्तों ना 317 ये दिया हुआ है। ठीक है, और क्या दिया हुआ दोस्तों, इनका अंतर दिया हुआ है यानी a माइनस बी का मान दिया हुआ है दोस्तों ना 3 दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या करना है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब इसमें क्या करना है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर इसमें स्क्वायरिंग करते हैं बोथ साइड में तो क्या हो जाएगा ना a माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ 3 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ते हैं तो a का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा ना 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। ठीक है, अब देख रहे हैं कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर का मान दिया हुआ है 317 तो 317 यहाँ लिखना है। अब इसको उधर ले जाना है, इसको इधर ले जाना है तो यहाँ प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा 9 इक्वल टू 2ab। ठीक है, अब घटाना है कितना हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 2ab एक दो से काट सकते हैं दोस्तों ना 1 बार में, 5 बार में, 4 बार में, यानी ab का मान निकल गया 154। ठीक है, निकालना क्या है दोस्तों, इनके संख्याओं का योग निकालना है यानी a प्लस बी का मान चाहिए तो इसको क्या करना है, पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा ना a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला होता है दोस्तों और जिसमें से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान दिया हुआ 317 तो यहाँ लिख सकते हैं 317 प्लस 2ab का भी मान आ गया दोस्तों कितना है ना 154 तो यहाँ लिख सकते हैं 154। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ना 317 प्लस 4 × 8 5 × 10 = 0 2 × 1 = 3 तो आप तीनों दोनों को जोड़ देना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ लिख सकते हैं जोड़ के तो 317 प्लस 308 जोड़ना है कितना हो जाएगा ना 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 625 निकल गया तो 625 क्या निकला ना a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू निकला 625 तो a प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा ना ये स्क्वायर उधर जाके रूट हो जाएगा तो 625 और 625 का वर्गमूल क्या होता है ना 25 होता है। ठीक है ना 25 और इसका ऑप्शन नंबर होगा दोस्तों नंबर जो होगा वह बी होगा। तो इस प्रकार से निकाल सकते हैं इजी से और आसानी से, यानी आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा तब आप बना सकते हैं बाय रूल्स फॉलो करके। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई की 6 गुनी है, इसका क्षेत्रफल 24 वर्ग सेंटीमीटर है तो आयत का परिमाप क्या होगा दोस्तों ये निकालना है। ठीक है दोस्तों, मान लेते हैं कि आयत की चौड़ाई को मान लेते हैं बी, बी मतलब ब्रेथ, ठीक है एक्स मान लेते हैं और लंबाई में क्या दिया हुआ दोस्तों, चौड़ाई जो है चौड़ाई की 6 गुनी है तो चौड़ाई x माने तो 6x लिख सकते हैं। ठीक है, और जिसमें से दिया हुआ क्वेश्चन में कि इसका क्षेत्रफल जो है वह 24 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल क्या होता है ना आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है l इंटू बी इजकल टू दिया हुआ दोस्तों ना 24 तो l का मान कितना है ना 6x और b का मान है x इजकल टू 24 तो 6 × 24 यानी 4 तो यहाँ x और x क्या हो जाएगा ना स्क्वायर इजकल टू 4 निकला दोस्तों तो x क्या हो जाएगा ना अंडर रूट में हो जाएगा 4 तो x का मान क्या हो जाएगा ना 4 का वर्गमूल होता है 2 ये निकला दोस्तों। तो निकालना क्या दोस्तों ना आयत का परिमाप तो पहले l निकाल लेते हैं तो l यहां दिया हुआ है ना 6x तो लिख सकते हैं 6x तो 6 मल्टीपल 2 कितना हो गया ना 12 ये निकल गया सेंटीमीटर और ब्रेथ का मान लिया है x तो क्या हो जाएगा ना 2 सेंटीमीटर। ठीक है, निकालना है ना आयत का परिमाप तो यहां लिख सकते हैं आयत का परिमाप तो आयत का परिमाप का फॉर्मूला होता है दोस्तों ना 2l प्लस बी ये फॉर्मूला होता है तो 2l का मान कितना दिया हुआ है ना l का मान जो निकला वह 12 है तो लिख सकते हैं 12 प्लस b यानी ब्रेथ का मान कितना है ना 2 तो लिख सकते हैं 2
तो दो गुना तो 12 और 2 कितना हो जाएगा ना 14, तो यहाँ लिख सकते हैं 14। तो 14 को 2 से गुना करेंगे कितना होगा ना 28 सेंटीमीटर होगा, और यही इसका आंसर होगा। और इसका ऑप्शन नंबर होगा दोस्तों होगा वह 2 होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इजी से और आसानी से बाय रूल्स फॉलो करके निकाल सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज का क्लास कैसा लगा जरूर कीजिएगा और बताइएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज इतना ही, जय हिंद जय भारत।